धन्यवाद कंदारी जी। निश्चित रूप से नौगांव ने यहाँ पर पहले सेट जीता है, लेकिन जो सूर्यास्त हो रहा है निश्चित रूप से इसका भी फायदा कहीं ना कहीं दूसरी टीम को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर ये सेट यहाँ पर पुरजोड़ी जीतती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल एक अंक और बढ़त लेती है नौगांव ने। ये सर्विस बहुत सुंदर, वहां पर डिफेंस इस बार बहुत सुंदर प्रयास, लेकिन अंत में गेंद छूटी। इस बार हवा में उछाला है गेंद को, सुंदर वहां पर डिफेंस और बेहतरीन प्रयास, जबरदस्त इस मैच यहां पर मंजीत के द्वारा। लेकिन ये वो मंजीत नहीं है भाई साहब, ये दूसरे मंजीत है, जो खौफ का नाम दूसरा नाम मंजीत कंदारी। मंजीत ने लिए सेट में 2-1 के साथ सर्व करती हुई नौगांव, बहुत सुंदर सर्विस, अच्छा वहां पर रेंज बनाया, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस और पॉइंट अर्जित कर लिया है। तो पाए गए वहां पर नेट पर बहुत ही बारीक निगाहों से इस मैच के रेफरी धीराज रावत, और 2-2 जहां सहायक निर्णायक की भूमिका में है कुलविंदर रावत। और एक और पॉइंट देखिए कंडारी जी, जिस प्रकार की मैं बात कर रहा था कि सूर्यास्त हो गया है, कहीं ना कहीं दूसरी टीम को फायदा मिल सकता है, और अब लगातार यहां से बढ़त बनाती हुई कुंडजोड़ी एक ही टीम, तो क्या कहना चाहेंगे आप, यहां से लगातार बढ़त मिलेगी या फिर कांटे का मुकाबला होगा? जी राहुल जी, बढ़िया प्रश्न आपका, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के पास उमदा फिनिशर है तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने के मिलेगा। और कुंडजोड़ी की टीम ने भी आप ठान लिया है, जिस प्रकार से पहले मुकाबले में पिछड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी अच्छी रणनीति, बढ़िया शॉट, बिल्कुल बीच में पड़ता हुआ इस शॉट, डीप शॉट मारा है, एक पॉइंट अर्जित किया है। रावल जी मेरे हिसाब से जितने भी लंबे खिलाड़ी है, सबसे लंबे खिलाड़ी इसी टीम में है, टूर्नामेंट के तकरीबन 6.5 फीट से ऊपर के खिलाड़ी है, लेकिन मंजीत कंदारी की टीम इन पे भी हावी हो रही है। एक पॉइंट और मिलता हुआ 4 और, तो मंजीत कंदारी टीम में विनय मंजीत, और बढ़िया सर्विस, लेकिन अब फायदा मिलेगा जरूर यहां पर, बढ़िया डीप शॉट, उतना ही बढ़िया डिफेंस, और यहां पर कुछ अनहोनी होती हुई, नेट से टकरा गए थे दोनों ही खिलाड़ी। तो एक बार फिर बॉल ऊंची होती हुई, बढ़िया शॉट, उतना ही बढ़िया डिफेंस, और यहां पर इनवॉल्व होती हुई पॉइंट मिलता हुआ स्पोर्ट्स क्लब लोगों को 6-4। राम जी जैसे हमने कहा था कि फायदा मिला है कुंडजोड़ी की टीम ने, वापसी तो की है, लेकिन अब एकाग्रता उनकी भंग हो रही है इस प्रकार के डिस्पुटों से। और यहां पर एक बढ़िया स्मैच करने की कोशिश, ऊंचा बॉल, और यहां पर फिर पकड़े गए हैं 6-5। बढ़िया बॉल, लेकिन यहां पर पॉइंट मिलता हुआ फ्रेंच क्लब लोगों को 7-5। 2 पॉइंटों की लीड यहां पर बरकरार है फ्रेंच क्लब लोगों की, और एक उमदा सर्विस, तो मुकाबला यहां पर जोरों से चल रहा है। अरे मंजीत कंदारी का छोटा कुत्ता भी सर्विस स्टार्ट होती हुई फ्रेंच क्लब लोगों की तरफ से सर्विस, मुकाबला जोरों पर, और ऊंचा बॉल, बिल्कुल यहां पर समझदारी का पॉइंट लिया है कुंडजोड़ी ने 6-8। कुंडजोड़ी 6-9-8, 2 पॉइंटों की मात्र बढ़त, और अब नौगों के पास लेना बॉल है, और ऊंचा शॉट मारने का प्रयास, बॉल मिलती हुई नौगों को, और यहां पर कुछ नया करने की कोशिश, उठाया बॉल को,
और वापस किया है। अब मोगल के पास मौका है, बॉल उठी है, तीसरे प्लेयर में जाके बॉल को आउट किया है, तो पूरी तरह से चौथ से लबरेज सिक्स, चार पॉइंट की बढ़त, ऊंचा बॉल, बढ़िया शॉट, बिल्कुल ठिकाने पे, एक पॉइंट की बढ़त मिलती हुई कुंडजोली को, 7-10। तो यहां से वापसी जरूर की है कुंडजोली ने रावण जी, लेकिन जिस प्रकार के लंबे लंबे उनके बूस्टर हैं, चेकर हैं, वो विस्फोट को रोक नहीं पा रहे। यहां पर प्रयास बढ़िया किया था छोटी बॉल मारने का, लेकिन नेट पर ही चकमा खा गए। एक पॉइंट और मिलता हुआ कुंडजोली को, इसी प्रकार की जरूरत है, एकाग्रता रखने की जरूरत है कुंडजोली की टीम को, लंबे लंबे खिलाड़ी हैं, और अगर और जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे पहला क्वार्टर फाइनल फरसाड़ी टब्बू भाई की टीम वर्सेस कोटद्वार के मध्य, और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला कंडारी स्पोर्ट्स वर्सेस जय दीवा गुड़ेल चिल्ला, तीसरा क्वार्टर फाइनल फ्रेंड्स क्लब सोसी वर्सेस दरिया बैजरो, और चौथा बैंडीज क्लब जुएई वर्सेस अनमोल। तो टीमें तैयार रहे, इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी होंगे। यहां पर मोड़ता हुआ बॉल, लेकिन वापस क्या है, एक बार फिर बढ़िया शॉट, और एक बार फिर सर्विस जाती हुई, बढ़िया शॉट, 12-10, 12-10, क्वार्टर फाइनल की रूपरेखा भी यहां पे तैयार हो गई। इसके बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले भी होंगे, दर्शकों से अनुरोध जाएगा, बढ़िया शॉट, बिल्कुल उछल दिए थे, अटैक लाइन पे पड़ा हुआ है शॉट, 11-12। सर्विस यहां पर नौकों के पाले में, ऊंचा बॉल है, मंजीत वहां पर तैयार है कुछ, और एक बार फिर हल्के से खेलने का प्रयास, बढ़िया शॉट मारने की प्रैक्टिस की थी लेकिन बाहर फेंक दिया है। एक पॉइंट मिलता हुआ यहां पर कंडारी स्पोर्ट्स को, 13-11, छोटा बॉल और बिल्कुल जगह पर ठिकाने पर, पॉइंट मिलता हुआ यहां पर कुंडजोली को, 12-30, एक पॉइंट की लीड यहां पर नौकों के पास, तो बढ़िया वापसी यहां पर कुंडजोली की, और यहां पे टक्कर लगा दिया है हॉकिंस का, जबरदस्त टक्कर, 30-30 मुकाबला होगा, तो दोनों ही टीमें तैयार रहे, ढूंढने की जरूरत न पड़े उन्हें, तो राव जी अब जिस प्रकार का यहां पर मुकाबला चल रहा है आपको क्या लगता है, वापसी की है यहां पर टीम ने, तो क्या लगता है क्या कुंडजोली की टीम वापस कर पाएगी? धन्यवाद कंडारी जी। तो जो वापसी यहां पर की है कुंडजोली ए ने, निश्चित तौर से यहां पर लगातार प्रयास रहेगा टीम का कि यहां पर वापसी की जाए, फाइनल सेट तक मुकाबला जाए, लेकिन तारीफ करनी होगी ना खिलाड़ियों की, जो छोटे कद के खिलाड़ी तो जरूर है लेकिन बहुत ही सुंदर इनका गेम देखने को मिला है अभी तक कंडारी स्पोर्ट्स क्लब नौगांव का, और बहुत ही सुंदर बिंदी जो कि लगातार तीन नंबर की जर्सी पहने हुए लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इस बार बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन पॉइंट मिलेगा कुंडजोली ए को, 14 पॉइंट के साथ सर्विस करती हुई, 14 पॉइंट के साथ सर्विस करती हुई कुंडजोली ए, सुंदर सर्विस हवा में है गेंद, इस बार प्रयास होगा लेकिन पॉइंट मिलेगा कुंडजोली ए को, बेहतरीन यहां पर स्पेसिंग, ब्लॉक करने का प्रयास किया था लेकिन अपने ही पाले में गेंद को गिरा दिया, और पॉइंट मिलेगा यहां पर कुंडजोली को,
और इस एक अंक के साथ बहुत ही सुंदर यहाँ पर अंक अर्जित किया है। लगातार स्मैशिंग हो रही है और एक जबरदस्त मोड़ पर जाता हुआ मुकाबला और स्कोर है 16-15, तो लगभग बराबरी का ये मुकाबला। इस बार एक बार फिर से हवा में गेंद, सुंदर वहां पर ड्रॉप डाला है, चौका है वहां पर खिलाड़ियों को। एक और पॉइंट अर्जित किया 17-15, दो अंकों की बढ़त लिए हुए एक सेट जीतने के बाद कंडारी स्पोर्ट्स क्लब नौगांव। हवा में है गेंद, प्रयास जरूर रहेगा, बहुत ही सुंदर वहां पर डिफेंसिंग और ढक्कन लगा दिया भैया। ये है पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का मारा है, बहुत ही सुंदर ब्लॉक वहां पर। तो एक और अंक अर्जित किया 16-17, एक अंक की बढ़त दिए हुए अभी भी नौगांव। इस बार दो दो खिलाड़ी, लेकिन पॉइंट मिलेगा फिर से स्पोर्ट्स क्लब कंडारी नौगांव 18-16। धन्यवाद करूंगा मैं अपने साथी स्टोरर्स का भी, जो लगातार अपडेट दे रहे हमें यहां पर। तो फिलहाल एक बार फिर से गेम प्रारंभ होता हुआ, बेहतरीन स्मैश, किसी प्रकार का कोई मौका नहीं, प्रयास तो निश्चित रूप से किया था वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन नाकामयाब रहे और अंक का है यहां पर अंक अर्जित किया है कुड़जोली ने। तो कंडारी जी जिस प्रकार लगातार वापसी कर रही है कुड़जोली, ये तो लगता है मुझे कि अब ये फाइनल सेट तक जाने वाला है मुकाबला, क्योंकि 17-18 का मुकाबला चलता हुआ, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं दिया किसी खिलाड़ी को और अंक अर्जित कर लिया नौगांव ने 19-17। दो अंकों की बढ़त लिए हुए नौगांव एक बार फिर से हवा में गेंद सर्विस करते हुए, बहुत सुंदर यहां पर डिफेंसिंग। इस बार प्रयास और पॉइंट मिलेगा भैया, बहुत ही सुंदर प्रयास, यहां पर कोई मौका नहीं दिया। और भंडारी जी मुझे लगता है कि जो कुड़जोली की टीम ने परिवर्तन किया है खिलाड़ियों में 18-19, तो काफी अच्छा साबित होता हुआ फिलहाल कुड़जोली के लिए। और देखिए एक और पॉइंट मिला, एक और पॉइंट मिलता हुआ 19-19। जबरदस्त मुकाबला, खौफ का दूसरा नाम मंजीत कंडारी। तो क्या होगा भैया आप तो देखना बाकी सब कुछ। ये देखिए लगातार यहां पर स्मैशिंग, ये शॉट पड़ा है, लेकिन क्यों कंडारी जी मुझे ऐसा लगता है कि खौफ कम होते जा रहा है, कि दूसरे सेट में जो खौफ का दूसरा नाम मंजीत कंडारी है वो एक अंक से पीछे हो चुके सेट में 20-19, लेकिन पीछे रहने वाले नहीं भैया, 20 बराबर कर दिया है। तो जैसा पिछला मुकाबला घटा था रुड़की और रुड़की और फ्रेंड्स क्लब सीयूसी के मध्य उसी प्रकार का यह मुकाबला, बहुत सुंदर। और रेफरी ने यहां पर निर्णय पक्ष में आया है नौगांव के, जा रहा है कुड़जोली के लिए, जबकि एक सेट की बढ़त लिए हुए नौगांव। जी राहुल जी, जिस प्रकार से यहां पर मुकाबला चल रहा है, दोनों ही टीमें अब पकड़ बनाती हुई, स्कोर इस समय 22-20 और बॉल इस समय नौगांव के पास 2 पॉइंटों की बढ़त के साथ। एक बार फिर ऊंचा बॉल उठता हुआ और फिनिशिंग किया है इस बॉल को 21-22 सर्विस इस समय कुंजोली के पास, अटैक करने का मौका नौगांव के पास होगा। बॉल आई सेंटर लाइन से, बढ़िया रिसीव होता हुआ और बढ़िया यहां पर छकाया था, लेकिन अब बारी है यहां पर कुड़जोली की, बिल्कुल ही एक हाथ से बॉल को फिनिश करने की कोशिश की, बढ़िया शॉट, लेकिन बॉल सीधा चेकआउट होती हुई, एक पॉइंट मिलता हुआ यहां पर कुड़जोली को 22-22। तो इसके बैकग्राउंड के मध्य तो दोनों टीमें भी तैयार रहे,
और इस समय बॉल बंद हुई बादशाह के लिए, लेकिन बादशाह इसमें कामयाब नहीं हुए और अब सेंटर लाइन से झकझोर दिया है, वापस आती हुई बढ़िया खेल यहाँ पर कुंडोली के द्वारा और अब विनय के हाथों में, देखना है फिनिश होती नहीं, और बढ़िया यहाँ पर वह किया है बॉल को, बादशाह ने बादशाह दिखाई है, लेकिन इस समय खौफ कम होता हुआ मंजीत कंडारी की टीम का, बढ़िया यहाँ पर चलता हुआ गेम, बॉल नीचे नहीं गिर पा रही है भैया, और देखना कि कौन खिलाड़ी फिनिश करता है, बादशाह ने यहाँ पर कमाल किया है, 23 बादशाह को पीछे, विनय को बीच में, तो ये घेरने की कोशिश करेंगे इस समय कुंजोली को, 23-22 23 कुंजोली 22 नौगो, हल्का स्मैश आता हुआ, यस बिल्कुल यहां पर घेरा किया था 13 नंबर की दर्शी ने, 23 इंच मंजीत पर काफी निगाहें, 23 इंच 23 बराबर नौगो के पास सर्विस और मौका यहां पर कुंजोली के लिए, और यहां पर गेम पॉइंट बनता हुआ, गेम पॉइंट 23 सेट पॉइंट होगा लोगों के लिए, अगर एक पॉइंट ले लेती है तो अगले चक्कर में यहां पर मौका बन सकता है, बना है मौका, बिल्कुल चेक फाड़ के निकली है, 24 इंच 24 बराबर, 2 पॉइंट की दरकार यहां पर कुंजोली के लिए, और मौका, और यहां पर डेड टाइम क्या है, लास्ट पॉइंट होगा यहां पर कुंजोली के लिए, अगर लगातार लेती है तो लंबाई का फायदा उठाती हुई यहां पर कुंजोली की टीम, 25-24 और यहां पर फिर मुकाबला करवल लेता हुआ, 25 इंच अब यहां पर मौका बनता हुआ नौगों के लिए, बॉल उठी है, मौका मिला है फिनिश करने का, और फिनिश किया है भैया इस बार यहां पर कुंजोली के लिए, मुकाबले में बने रहना है तो एक पॉइंट लेना होगा, कुंजोली अगर जीतती है इस पॉइंट से जीतेगी, और यहां पर चेक को फाड़ा है, फिर यहां पर एक पॉइंट मिलता हुआ नौगों को, 26 इंच 26 बराबर, तो रावल जी कुंजोली के खेमे में भी इस समय काफी उत्साह, और यहां पर फिनिश करने की कोशिश है, और फिनिश यहां पर होती लेकिन मुश्किल था, चेक खा रहे हैं बिल्कुल 8-8 फीट के जो खिलाड़ी हैं उन्हें खड़ा किया था, बिल्कुल स्मैश मंजीत के द्वारा स्मैश, और यहां पर पॉइंट मिलता हुआ लोगों को, 27-26 यहां पर अब मौका है नौगों के लिए मैच जीतने का, एक पॉइंट नौगों, और मैच क्रॉस कर दिया है बिल्कुल डेडलाइन पे, मुकाबला चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, दर्शकों की सांसें थपकी हुई, 27 इंच 27 बराबर, तो ये मुकाबला भी बिल्कुल पिछले मुकाबले की तरह घटता हुआ, अब नौगों के पास मौका, बादशाह ने बादशाह दिखाई है, और फिर बॉल को धकेला है, एक गलती टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है यहां पर नौगों को, बड़ा मृत्यु हुई, बादशाह का कमाल जारी है भैया, मयंक विनय और बादशाह, 28-27 गेम पॉइंट नौगों के लिए चलता हुआ, देखना है कि इसमें चेंज हो पाता है नहीं, और बेस्ट लॉस बिल्कुल गड्ढे पे, एक बार फिर मुकाबला चढ़ता हुआ ऊपर के लिए, 28-28 बराबर, बढ़िया शॉट चलती हुई,
एक बार अब फिर छोटा बॉल उड़ता हुआ चौथाई से पार किया है और यहां पर सेट पॉइंट बनता हुआ कुंजोली के लिए, कुंजोली के लिए ये सेट पॉइंट साबित हो सकता है। और अगर ये सेट पॉइंट हुआ तो इसके बाद इस मैच का एक सेट और होगा जो कि काफी रोमांचकारी। छोटी सर्विस और यहां पर मुकाबला